हेलो एवरीवन ऑल आर यू वेलकम इन द सोशल साइंस क्लासेस आज के क्लास का मेन टॉपिक रहने वाला है फेडरलिज्म बिकॉज वी हैव स्टार्टेड द सीरीज फॉर द बोर्ड एग्जाम विद द स्पेशल इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और विद प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आप क्लास में बने रहें और लास्ट तक क्लास को देखें ओनली वी हैव टू कवर फाइव फाइव टॉपिक्स टॉपिक्स इन के अंदर आपका कंप्लीट चैप्टर प्रिपेयर हो जाएगा विद ओनली द वैल्यू बेस्ड पॉइंट्स लेट्स वी स्टार्ट कंटेंट ऑफ़ दिस चैप्टर हमारे पास इस चैप्टर का जो कंटेंट है फेडरलिज्म टाइप्स फीचर्स और हमें पढ़ना है कि इंडियन जो स्टेट्स हैं उनके बीच में डिवीज़न ऑफ़ पावर कैसे सेकंड जो टॉपिक रहने वाला है डिवीज़न ऑफ पावर है चैलेंजेस ऑफ पॉलिसी सेंटर एंड स्टेट रिलेशनशिप और सबसे लास्ट एंड द इंपॉर्टेंट टॉपिक इस चैप्टर का सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से क्वेश्चन हाईली रिपीटेड है दिस इज द एरिया फ्रॉम वेयर द क्वेश्चन इज आस थ्री मार्क्स और मे बी क्वेश्चन कैन बी मार्क और यहां से भी क्वेश्चन कैन बी फ्रेम आउट लेट्स वी स्टार्ट सबसे पहले हमारे पास जो टॉपिक आता है कि फेडरलिज्म को आप बिल्कुल एक लाइन के अंदर लिख सकते हो फेडरलिज्म क्या है वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर शेयरिंग

क्योंकि फेडरलिज्म इज थ्योरी बट ऑल द कंट्री हैव अडॉप्टेड द चेंजेस अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट ऑफ कंट्री जिस कंट्री को जैसे चेंजेस लगते थे उन्होंने पहला चेंजेस है और दूसरा क्या एस टी एफ कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म एसटीएफ का मतलब होल्डिंग टुगेदर फेडरलिज्म पहले हम ये देखते हैं कमिंग टुगेदर फेडरलिज्म क्या है दिस फेडरलिज्म का मतलब होता है जब डिफरेंट कंट्रीज एक दूसरे को ज्वाइन करती हैं किसके साथ कॉमन सोवरेनिटी के साथ sovereignty का मतलब है क्या क्या भाई? With common sovereignty के साथ। तो इसको हम बोलते हैं? जैसे अमेरिका को इंडिपेंडेंस मिला तो अमेरिका में थर्टीन स्टेट थे आज अमेरिका में कितने स्टेट हैं। भाई? 50 ठीक है इसको क्या बोलते हैं स्मॉल स्मॉल स्टेट ज्वाइन टूगेदर कन्वर्टेड अ कंट्री आप इतना याद रखिए दूसरा इसमें क्या होता है जो सेंटर एंड स्टेट बोथ हैव द इक्वल पावर सेंटर और स्टेट के पास क्या होती है इक्वल पावर होती है दोनों के पास और एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करते यहां पे एग्जांपल क्या है सबसे बड़ा एग्जांपल है यूएसए पहले कौन एग्जांपल होता है यूएसएसआर और अभी आप किसका तीसरा एग्जाम्पल लिख सकते हो स्विट्जरलैंड अब एग्जामिनर आपसे वन मार्क का क्वेश्चन क्या पूछेगा ंग दोइ कंट्री अ एग्जाम्पल ऑफ कमिंग टूगेदर फेडरलिज्म तो आपने क्या बोलना है? ज्वाइन करते हैं एक दूसरे को कॉमन सोवेनिटी के साथ सेकंड आपने क्या लिख रहा है सेंटर स्टेट है इक्वल पावर और थर्ड आप क्या लिखोगे एग्जांपल। इस... अब हम देखते हैं एसटीएफ। एसटीएफ का मतलब है होल्डिंग टूगेदर फेडरलिज्म जब एक कंट्री क्या हो एक कंट्री है वो पहले क्या है यूनाइट है फिर उसको क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया क्या कर दिया गया डिवाइड कर दिया गया स्मॉल स्मॉल स्टेट में जैसे इंडिया इंडिया इज ए सोवरन कंट्री बट इंडिया इज डिवाइडेड इनटू द स्टेट इसका मतलब यहां पे क्या होगा जो कंट्री है उसको डिवाइड किया जाएगा क्या डिवाइडेड किया जाएगा पर ध्यान रखना यहां पे जब डिवाइडेड किया जा रहा है तो यहां पे भी क्या है कॉमन सोवरेनिटी है सोवरेनिटी का मतलब इंडिपेंडेंस उनकी जो आइडेंटिटी है इंटरनेशनल लेवल पे वो एक है जैसे कि हरियाणा पंजाब तमिलनाडु कर्नाटक ऑल द स्टेट कम टूगेदर और भारत के सारे स्टेट से मिलकर क्या बनता है यूनियन ऑफ इंडिया बनता है अब यहां पे क्या है सेंट्रल स्टेट है इक्वल पावर यहां पे आप लिखोगे सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट हैज मोर पावर देन स्टेट गवर्नमेंट क्यों उसका रीजन ये है कि अगर स्टेट और सेंटर के पास इक्वल पावर होगी तो मे बी स्टेट कैन आस्क टू बी सेपरेटेड फ्रॉम द इंडिया

ये क्वेश्चन दो तरह से आ सकता है पहला क्वेश्चन आ सकता है एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म क्वेश्चन क्या बन सकता है कि एक्सप्लेन द फीचर्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इंडिया इज नॉट ए फेडरल कंट्री बिकॉज आर्टिकल वन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट दैट इंडिया इज यूनियन ऑफ स्टेट इस मीन नो प्लेस ऑफ द वर्ड फेडरल इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहीं पे इस वर्ड का यूज नहीं किया गया है कुछ फिलोसफर यह बोलता है जो इंडिया है वो सेमी फेडरल है क्योंकि यहाँ पे कुछ पावर सेंटर गवर्नमेंट के पास ज्यादा है इसलिए यूनिटी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का फीचर्स है पर कुछ अलग फीचर्स हैं जो फेडरलिज्म के भारत फॉलो कर रहा है अब देखते हैं आग, इनका कॉमन आंसर लिखना है पहला पॉइंट फेडरलिज्म की सबसे बड़ी फीचर्स क्या होती है ड्यूल गवर्नमेंट क्या होती है भाई ड्यूल गवर्नमेंट अगर आ रहा है तो लिख दीजिए कि आर द द टू गवर्नमेंट ऑन डिफरेंट लेवल कौन से डिफरेंट लेवल सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट

और पावर इज एंजॉय बाय सेंट्रल गवर्नमेंट तो यहां पे जो तो सेंट्रल स्टेट के बीच का जो पावर डिवीजन है काम लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन अगर फ्यूचर में क्लैश हो जाए तो क्या होगा इंडिपेंडेंट जुडिशरी क्या होगा भाई इंडिपेंडेंट जुडिशरी अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में कोई भी डिस्प्यूट है तो कहां पे जाएगा जुडिशरी के पास अपेक्स कोर्ट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया दिस इज द ओरिजिनल जुडिशियर ऑफ सुप्रीम कोर्ट इसका मतलब सिंपल यह हुआ कि अगर सेंट्रल स्टेट के बीच में किसी भी बात को लेके कोई भी क्लैस है वो केस हाई कोर्ट में नहीं जाएगा कहां पे जाएगा सुप्रीम कोर्ट में इन दोनों के बीच में क्या है भाई डिवीजन डिवीजन ऑफ ऑफ इनकम इनकम सोर्स सोर्स है का मतलब ऐसे कौन से इनकम के सोर्सेज होंगे जो सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होंगे और कौन से ऐसे स्टेट गवर्नमेंट के पास होंगे क्योंकि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए काम चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अब कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मेन पॉइंट है

तो विदाउट कंसेंट ऑफ स्टेट जब तक स्टेट उसको अप्रूवल नहीं देंगे तब तक क्या नहीं होगा वो अमेंडमेंट नहीं होगा ये भी क्वेश्चन आता है कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन को फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड अमेंडमेंट के लिए कितना नंबर का कंसेंट चाहिए याद रखना two by three, अगर इंडिया का आता है साथ में एक और टॉपिक आप याद रखिए ये वन मार्क का क्वेश्चन आ सकता है टू मार्क में आ सकता है कि एक्सप्लेन द ड्यूल ऑब्जेक्टिव ड्यूल ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है जब कोई कंट्री फेडरल बनती है तो दो उद्देश्य को लेके बनती है पहला क्या होता है

In मतलब दो क्वेश्चन कॉमन आंसर नेक्स्ट ने डिविजन ऑफ पावर बिटवी स्टेट गवर्नमेंट ऑफेंट टॉपिक इसलिए बोला हूं क्योंकि यहां से हर साल एक क्वेश्चन फ्रेम आउट किया ही किया गया है अब देखिए यहां पर क्वेश्चन दूसरी तरफ भी आ सकता है दूसरी तरफ कैसे आएगा क्वेश्चन आएगा एक्सप्लेन द लेजिस्लेटिव डिविजन ऑफ पावर लेजिसलेटिव लॉ मेकिंग

बैंकिंग इंश्योरेंस रेलवे पोस्ट ऑफिस तो ये सारे वो सब्जेक्ट्स हैं जो हमारे इंटरेस्ट के हैं अभी आपके एनसीईआरटी में इनका जो नंबर लिखा हुआ है 97 सब्जेक्ट्स हैं आप 97 ही याद रखोगे और इसके ऊपर लॉ कौन बनाएगी भाई यूनियन गवर्नमेंट कौन लॉ बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बनाएगी इज इट क्लियर अब देखिए स्टेट में कौन से हैं बहुत सिंपल है उसी लाइन को पकड़िए कि सब्जेक्ट टू स्टेट इंटरेस्ट अब हर एक स्टेट का अलग इंटरेस्ट हो सकता है जैसे कि हमारा जो हरियाणा स्टेट है यहां पे लॉ एंड ऑर्डर के अलग चैलेंजेस है मे बी बिहार और यूपी के अंदर अलग चैलेंजेस है तो हर एक स्टेट को अथॉरिटी दे रखी है आप अपने स्टेट से रिलेटेड कुछ सब्जेक्ट के ऊपर लॉ बना सकते हैं इसके अंदर आपने एक वर्ड याद रखना है पुलिस और कहीं बार वर्ड आता है लॉ एंड ऑर्डर ठीक है जी उसके अलावा एग्रीकल्चर और बहुत सारे सब्जेक्ट हैं

जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं तो मेरा भी खुद का इंटरेस्ट है और आप यहां से पढ़ रहे हो आपका भी इंटरेस्ट है तो स्टेट दोनों का इंटरेस्ट होता है इसलिए ऐसे कौन से सब्जेक्ट हो सकते हैं सबसे पहले आपको याद रखना है कि कौन सा सब्जेक्ट एजुकेशन जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एजुकेशन के अलावा कौन है भाई फॉरेस्ट उसके अलावा मैरिज उसके अलावा जितने भी सब्जेक्ट रिलेटेड टू क्या है भाई है इसका मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट अकेले उनको चेंज नहीं कर सकती इसमें टोटल जो सब्जेक्ट्स हैं कितने हैं कितनेटी सेवन सब्जेक्ट है यहाँ पे एक बड़ा क्वेश्चन आता है कि दोनों लॉ बना सकती हैं अगर दोनों के बीच में किसी बात को लेके क्लास हो गया देन then... देन किसको प्रायोरिटी मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को किसको इंपोर्टेंस मिलेगी सेंट्रल गवर्नमेंट को क्वेश्चन ये कि सेंट्रल गवर्नमेंट को क्यों मिलेगी सर सेंट्रल गवर्नमेंट को इसलिए मिलेगी क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट थिंकिंग अबाउट द एंटायर नेशन और स्टेट इज ओनली कंसर्न अबाउट द स्टेट पीपल इंटरेस्ट तो यहाँ पे इंटरेस्ट की इंपॉर्टेंस किसको देनी है नेशन को रादर देन स्टेट को

नेक्स्ट टॉपिक नेक्स्ट टॉपिक है, का मतलब ये है कि जो भारत ने फेडरल को अडॉप्ट किया है उसके सामने कौन से चैलेंज आए चैलेंज क्या होता है चैलेंज इज ए लाके अपॉर्चुनिटी टू ओवरकम ऑन द प्रॉब इज नॉट ए प्रॉब्लम चैलेंज अपॉर्चुनिटी एज यू टारगेट आप टारगेट रखिए अपने लिए कि मेरे को इतने नंबर लेके आने बोर्ड एग्जाम में वो प्रॉब्लम तोड़ा है वो तो चैलेंज है अगर आपने आपने स्कोर किया तो इसका मतलब आपने क्या किया अपॉर्चुनिटी को अवेल किया तो उसी तरह से जो भारत का फेडरलिज्म है इसके सामने तीन चैलेंजेस फेडरलिज्मी एमसीक्यू फॉर्म में क्वेश्चन आता है चैलेंज फेस बाय द इंडियन आप बोलोगे लिंग्विस्टिक स्टेट लिंग्विस्टिक स्टेट क्या होता है इंडिपेंडेंस हो के बाद

तेलुगु स्पीकिंग पीपल के लिए कहां पे मद्रास के अंदर और इस भाई साहब ने क्या किया 56 डेज का फास्ट किया उसके बाद आपको कहानी नहीं लिखनी स्टेट फॉर द तेलुगु स्पीकिंग पीपल इन मद्रास और उन्होंने डिमांड रखी उसकी डेथ हो गई होने के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया? दिसंबर 1952 के अंदर भारत का पहला लिंग्वेस्टिक स्टेट बना दिस क्वेश्चन फर्स्ट लिंग्वेस्टिक स्टेट बताइए आप क्या लिखोगे आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश मत लिख देना आंध्र प्रदेश अमाई के लिए किसके ऊपर तेलुगु स्पीकिंग के ऊपर नेक्स्ट पॉइंट इसके अंदर उसके बाद भारत सरकार ने कमीशन बनाया था 1953 में एसआरसी जिसने अपनी रिपोर्ट कब दी भाई 1956 में इट क्रिएटेड द 14 स्टेट्स एंड सिक्स पर अभी भी भारत के अंदर क्या है लिंग्वेस्ट स्टेट के ऊपर काम चल रहा है देखिए 1956 में भारत में कितने स्टेट है स्टेट एंड यूटी आज हमारे पास कितने स्टेट है ट्वेंटी स्टेट्स एंड मतलब अभी भी भारत के अंदर फॉर्मेशन ऑफ स्टेट चल रहा है लेटेस्ट स्टेट कौन सा है तेलंगाना है ये ध्यान रखना कौन सा है तेलंगाना जम्मू कश्मीर फ्रॉम स्टेट टू एज ए यूटी बनाया यूनियन कन्वर्टेडरी बनाए अगला टॉपिक है हमारे पास लैंग्वेज पॉलिसी लैंग्वेज पॉलिसी को तीन पॉइंटों के अंदर हम खत्म कर देंगे बस पहला आप लिखोगे वी डोंट हैव नेशनल लैंग्वेज हमारे पास कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं है ये एक बड़ा टॉपिक है पर अभी हम क्या कर रहे हैं ओनली कर रहे हैं बस अब यही समझ लो भारत क्या करता है थ्री का मतलब कि काम किया जा सकता है पहला भारत के अंदर इंग्लिश दूसरा कौन सा है हिंदी और थर्ड वन क्या लिखोगे शेड्यूल लैंग्वेज शेड्यूल का मतलब है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर शेड्यूल लिखी हुई है कौन सा शेड्यूल है भाई ये भी आता है एट शेड्यूल है कितनी है ट्वेंटी टू इंपॉर्टेंट uh, की जो ट्वेंटी टू है उसके साथ क्या करोगे ट्वेंटी है इंग्लिश के बारे में पर देर वॉजेस्ट फ्रॉम द साउथ इंडिया यह भी क्वेश्चन आता है कि हमारी हिंदी नेशनल लैंग्वेज क्यों नहीं है उसका आप आंसर लिखोगे की यहाँ पे प्रोटेस्ट स्टार्ट चला हुआ था जिसका नाम था एंटी हिंदी मूवमेंट एंटी हिंदी मूवमेंट कहां से स्टार्ट हुआ आपसे यह भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है तमिलनाडु बिकॉज दे वर नॉट इन फेवर टू सी हिंदी एज ए नेशनल लैंग्वेज वो हिंदी को क्या नहीं देखना चाहते थे नेशनल लैंग्वेज नहीं देखना चाहते थे उनको लगता था कि हमारे ऊपर क्या होगा इम्पोस होगा किसका नॉर्दर्न इंडिया का क्योंकि फेडरलिज्म है फाइनली भारत सरकार ने थ्री लैंग्वेज पॉलिसी को फॉलो किया और फॉलो करने के बाद वी आर कंटिन्यू एज द यूनिटी नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है वो कौन सा है सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है यहाँ से वन मार्क का क्वेश्चन कैन बी फ्रेम आउट सेंटर स्टेट के बीच में लड़ाई क्यों है? भारत का जो फेडरलिज्म है, मतलब है उसके पास ज्यादा पावर है इन द कम्पेटिव ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कैसे लॉ मेकिंग हम देख चुके हैं यूनियन लिस्ट में ज्यादा सब्जेक्ट है उसमें भी, उस भी यूनियन गवर्नमेंट लॉ बना सकती है और रेजिड्यूरी पे भी कौन बनाएगी यूनियन गवर्नमेंट Second, क्या है जो मोर फाइनेंशियल है भारत का जो सोर्स ऑफ इनकम है उसके ऊपर भी नहीं ले सकती है यूनियन गवर्नमेंट किसी भी स्टेट की बाउंड्री को ऑल्टर कर सकती है कम कर सकती है नया स्टेट क्रिएट कर सकती है यह भी यूनियन गवर्नमेंट की ज्यादा पावर है भारत के अंदर कोई भी क्लैश नहीं था कब तक नो no क्लैश किसके बीच में सेंटर वर्सिस स्टेट कब तक आप लिखोगे टिल 1967 तक टिल 1967 तक अब 1967 जो तक जो क्लेस नहीं था उस क्लेश का कारण क्या है अब उसका बड़ा कारण यह था कि सेंटर के अंदर भी कौन है पावर में कांग्रेस थी और स्टेट के अंदर भी कौन थी भाई कांग्रेस थी तो कोई इशू था ही नहीं 1967 में भारत के ऐसे नाइन स्टेट थे जहां पे कौन सी गवर्नमेंट बन गई भाई नॉन कांग्रेस और जैसे ही नॉन कांग्रेस स्टेट गवर्नमेंट बनी तो उनके स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने इस बात को रखा कि हमारे पास तो पावर ही नहीं है सारी पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के हैं तो है, की की है। है, हमें मोर लेटिव पावर चाहिए हमें मोर एडमिनिस्ट्रेटिव पावर चाहिए आपका जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है जिसको डीसी और एसपी चलाते हैं by, कौन करता है भाई सेंट्रल गवर्नमेंट काम कहां स्टेट थर्ड वन ये चाहते हैं कि हमें क्या चाहिए मोर फाइनेंशियल पावर चाहिए तीन इनकी डिमांड थी थर्ड वन ये बोलते हैं रोल ऑफ गवर्नर होता है गवर्नर क्या करता है दो काम कर सकता है स्टेट के लिए और स्टेट के अगेंस्ट भी ये रिकमेंड कर सकता है प्रेजिडेंट को कि इस स्टेट गवर्नमेंट को सस्पेंड कर दीजिए इसको बोलते हैं प्रेजिडेंट रूल तो स्टेट कहते हैं यार हमें लोगों ने इलेक्ट करके भेजा है आप कौन हो तो ये बड़ा क्वेश्चन मार्ग है गवर्नर के ऊपर दूसरा क्या है किसी भी बिल जो पास बाय स्टेट असेंबली होगा उसको किसको भेज देगा पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू पीएम एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर अगर सपोज कीजिए सेंटर के अंदर कोई और पॉलिटिकल पार्टी है स्टेट के अंदर और कोई पॉलिटिकल पार्टी है तो सेंटर क्रिएट कर सकता है क्या उसके लेटर बल तो इसीलिए जो गवर्नर का रोल है वो भी क्या है वाइज है तो थ्री थ्री मार्क्स क्वेश्चन कैन बी आस वन मार्क क्वेश्चन कैन बी आस जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो यहाँ से आंध्र प्रदेश का है यहाँ पे शेड्यूल लैंग्वेज शेड्यूलिक वाला है और क्या तीन डिमांड है सेंटर की आ सेंटर से किसकी स्टेट की नेक्स्ट हमारे पास जो टॉपिक है डिसेंट्रलाइजेशन हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है इफ यू विल सी लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर और लास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर के लिए यू कैन ज्वाइन आर टेलीग्राम ग्रुप

उसके बाद भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी के अंदर तो रखा गया पर ऐसे प्लेस पे रख दिया गया जो मैंडेटरी नहीं था गवर्नमेंट को फॉलो करने के लिए अब भारत का ऐसा कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है डीपीएसपी डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी का मतलब यह है कि इंस्ट्रक्शन है सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट माने या ना माने अंडर आर्टिकल फोर्टी भारत के अंदर लोकल गवर्नमेंट के लिए पहली बार प्रयास किया गया सेकेंड अक्टूबर नाइनटीन फिफ्टी नाइन ऑन द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ महात्मा गांधी जी ड्रीम ऑफ गांधी जी की लोकल गवर्नमेंट शुड भी देर लोकल पीपल शुड है पावर उनके पास पावर होनी चाहिए अब लोकल गवर्नमेंट की इंपोर्टेंस क्या है, का की पहली है sharing, इसके आधार पर क्या की जा सकती है बेस्ड ऑन पावर सेयरिंग जैसे हमने देखा भी था कि भारत के अंदर वर्टिकल फॉर्म्स ऑफ पावर सेयरिंग है जिसमें लोकल गवर्नमेंट है सेकेंड वन क्या होगा लोकल पीपल है

अब कौन करेगी लोकल गवर्नमेंट और सबसे बड़ी बात आपका देश का डेवलपमेंट तब होगा जब यहां पे इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी होगी गवर्नमेंट जो पॉलिसीज बनाती है तो यहां पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेशन होगा वो बहुत इफेक्टिवली काम करेगा जो गवर्नमेंट पॉलिसीज बनाती है लोकल लेवल पर पहुंचाने के लिए तो उसमें लोकल गवर्नमेंट कैन प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल तो ये तो हो गए इसके फायदे पर मैंने अभी बताया कि जो लोकल गवर्नमेंट है हमारी वो पूरी तरह से क्या नहीं थी भाई कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी नहीं थी

Fixed of अब इनको कोई नहीं दिए गए थे जहां से इनके पास क्या है? पैसे है जिससे वो अपने लेवल पे जब पावर ही नहीं है, तो लोकल गवर्नमेंट काम क्या करेगी तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए इंडियन पार्लियामेंट टुक इनिशियव टू अमेंड द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भारतीय किया जिसको हम बोलते हैं भाई फ्यूचर्स एंड सेवेंटी फोर्थ अमेंडमेंट 73rd Amendment कौन सा है भाई रूरल के लिए है ये ध्यान इसका मतलब लोकल गवर्नमेंट के दो टाइप बनाएंगे थ्री किसके टा, किसके लिए अर्बन के लिए किस के लिए भाई? अर्बन के लिए के के भाई इसका मतलब दो टायर्स हो गए हैं एक कौन सा हो गया रूरल का और दूसरा कौन सा हो गया अर्बन का हो गया ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा हाईली रिपीटेड है अंडरस्टूड तो इसमें क्वेश्चन क्या आता है लोकल गवर्नमेंट ठीक है पहला क्वेश्चन

दूसरा कौन सा आएगा अर्बन अर्बन के अंदर तीन बॉडी बना दी गई नगर पालिका नगर परिषद और नगर निगम एक ही क्वेश्चन आता है बस इससे दो नगर निगम का हेड कौन है मेयर ठीक है भाई रूए के अंदर तीन यूनिट बनाई गई पहला यूनिट बनाया गया ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत का सबसे बड़ा क्वेश्चन आता है विच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट आप बोलोगे ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत के अंदर दो वार्ड है एक तो इसके अंदर इलेक्टेड बॉडी होती है इलेक्टेड बॉडी में कौन होता है एक सरपंच और सेवरल पंच अकॉर्डिंग नंबर ऑफ़ वोटर्स इन विलेजेस। दूसरा क्या होता है भाई पंच आ, दूसरा होता है इसके अंदर ग्राम सभा क्या होता है भाई ग्राम सभा ग्राम सभा क्या है ग्राम सभा एक गांव की पंचायत के जितने भी इलिजिबल वोटर्स हैं ऑल आर द मेंबर ऑफ ग्राम सभा और ये कौन है पंच और सरपंच इलेक्टेड है ग्राम सभा इज एन एग्जाम्पल ऑफ डायरेक्ट डेमोक्रेसी जहां पे गांव के वोटर्स सारे मिलकर इस बात को डिसाइड कर सकते हैं कि हमारे गांव के अंदर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या होंगे तो ये ग्राम सभा का सबसे बड़ा एग्जाम्पल और इंपॉर्टेंस है दूसरा इसके अंदर जो टायर है रूरल के अंदर यहाँ पे है ब्लॉक समिति ब्लॉक समिति क्या होता है ब्लॉक समिति इज द ग्रुप ऑफ विलेजेस बस इतना याद रखिए क्या भाई ग्रुप ऑफ है ग्रुप ऑफ पंचायत है ठीक है ग्रुप ऑफ पंचायत है जिला परिषद क्या है जिला परिषद का क्वेश्चन आता है कि विच इज द यूनिट ऑफ लोकल गवर्नमेंट तो यहां पे हमने क्या लिखा ग्रुप ऑफ पंचायत यहां पे क्या लिख दो ग्रुप ऑफ ब्लॉक समिति बस आप इतना याद कर लीजिए आपको तो बोर्ड के लिए इतना इनफ है तो आप ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दोगे विद द हेल्प ऑफ स्केल ये तो हो गया इसका पहला फीचर सेवेंटी थर्ड और 74 का. इसका फीचर्स क्या इलेक्शन है, है, है वो क्या नहीं होंगे भाई? नहीं होंगे अगर डिले होते हैं तो मैक्सिमम जो टाइम होगा कितना होगा सिक्स मंथ होगा हर एक पांच साल के बाद गवर्नमेंट को इलेक्शन कराने ही पड़ेंगे दूसरा इसके अंदर प्रोविजन रखा किसका भाई रिजर्वेशन का

एस सी के लिए कितना रखा जाएगा थर्टी थ्री इसका मतलब जो विलेज जो ब्लॉक समिति और जिला परिषद सीट रिजर्व होगी वहां से कौन लड़ सकता रिजर्व कैटेगरी का कैंडिडेट इलेक्शन लड़ेगा वोट सभी डालेंगे सेकेंड पॉइंट इसके अंदर क्या आता है कि रिजर्वेशन फॉर विमेन अब आपको बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये हाईली रिपीटेड क्वेश्चन है मिस्टेक्स करते हैं बच्चे मिस्टेक्स नहीं करनी है विमेन ओनली ओनली हैव रिजर्वेशन इन द लोकल गवर्नमेंट डोंट है पार्लियामेंट इन देश नहीं है तो उसमें थर्टी थ्री पे कौन इलेक्शन कॉन्टेस्ट करेगी विमेन और थर्टी पाई कौन करेगा एस सी एस टी और ओबीसी इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है कि अगर सपोज करो हंड्रेड विज हंड्रेड विलेज के अंदर हमने पहले रिजर्व करने कितने 33. किसके लिए कर Backward classes के लिए। के के अब पे कितने 67. ये जो बचेंगे ऊपर का का लगेगा। लगेगा? कैसे लगेगा? 33 का? 11. पे आ गया? 22. इसका टोटल कितना गया? 33. किसका तो हंड्रेड द रिजर्वेशन इन बोथ कैटेगरी ओपन एज वेल एज रिजर्व सेकेंड पॉइंट इसके अंदर आपने लिखना है कि देर इज द स्टेट इलेक्शन कमीशन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वन मार्क का

तो ये भारत के अंदर जो लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन है कौन करा कमिशन. कराएगा स्टेट इलेक्शन कमीशन क्यों कराएगा क्योंकि लोकल गवर्नमेंट जो सब्जेक्ट है स्टेट फाइनेंस कमीशन है भारत का भी है India, वो क्या करता है जो भारत के सोर्स ऑफ इनकम है उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है सेंटर एंड स्टेट अंडरस्टूड तो उसी तरह से जो स्टेट फाइनेंस कमीशन है ये भी क्या करता है जो सोर्स ऑफ इनकम है स्टेट के पास उसको दो पार्ट में डिवाइड करता है कुछ चीजें किसके पास देगा लोकल गवर्नमेंट और कुछ किसके पास देगा भाई स्टेट गवर्नमेंट के पास देगा इसका मतलब कुछ सोर्सेज ऑफ इनकम लोकल गवर्नमेंट के पास है जैसे शहर के अंदर कोई भी मेला आएगा तो लोकल गवर्नमेंट के ऊपर टैक्स लगाएगी पर जो आपका स्टाम्प ड्यूटी होता है जो सेल एंड परचेज के अंदर यूज होता है उसके ऊपर टैक्स कौन लगाएगी स्टेट गवर्नमेंट तो दिस इज अबाउट द रिपीटेड इन द बोर्ड श्योरिटी कुछ ना कुछ यहां से आपसे पूछे ही जाएगा तो आपको याद रखने फाइव मेन क्वेश्चन विद द वैल्यू बेस्ट पॉइंट और ये जो पांच मैंने आपको क्वेश्चन कराए हैं ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया बस एक बात और याद रखना कि भारत के कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर

or you continue prepare for your board exam thank you everyone